नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। पहले चरण का चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। जी हाँ, सोमवार की शाम को चुनाव प्रचार थम जाना है। ऐसे में चुनावी सभा जोर शोर से चल रही है। तेजस्वी यादव 13 जगहों पर आज सभाएं कर रहे हैं। आपको बता दें, नीतीश कुमार भी लगातार सभा को संबोधित करने में जुटे हुए हैं, रैलियां कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जब रैलियां होती है, जब जनता को संबोधित किया जाता है, तो दोनों तरफ से वार और पलटवार किया जा रहा है। बता दें, तेजस्वी यादव रणनीति इस पर बना के आए हैं, बिहार चुनाव में आए हैं कि वो इस बार बिहार का विकास करेंगे, जो विकास रुका पड़ा है, नीतीश राज में नहीं किया गया है। और नीतीश कुमार लगातार लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर के जदयू ने एक बार फिर से हमला किया है राजद पे। जी हाँ, अभिषेक झा ने सवर्णों का मुद्दा उठाया है। किस तरह से लालू राज में सवर्णों के साथ नाइंसाफी हुई है, इस बात का मुद्दा उठाया है। क्या कुछ कहा है अभिषेक झा ने, जरा सुनिए। आजकल राजद के कुछ छुटभैये नेता जो सवर्ण समाज से आते हैं, चुनाव में सवर्ण समाज से आग्रह कर रहे हैं राजद को वोट देने के लिए। लेकिन सवर्ण समाज इस बात को नहीं भूल सकता है कि वह राजद ही है जिसने सदन के अंदर गला फाड़ फाड़ कर सवर्ण आरक्षण का विरोध किया था। लालू प्रसाद यादव जी ही थे जिन्होंने भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था। एक तरफ तेजस्वी यादव जी अपने पिता माता के कार्यकाल में किए गए कार्यों की माफी मांगते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के बताए पदचिन्हों पर चलते हैं और समाज को बांटने की राजनीति करते हैं। अभी एक चुनावी सभा में रोहतास में तेजस्वी यादव जी कह रहे थे कि लालू जी की सरकार में गरीबों का राज था और बाबू साहेब के सामने भी लोग सीना तान कर चलते हैं। तेजस्वी यादव जी, गरीब गरीब होता है, किसी जाति या धर्म का नहीं होता है, इसलिए अपने पिता की तरह जात पात की राजनीति मत कीजिए। बिहार 15 वर्षों में बहुत डेवलप हो चुका है, इसलिए आपकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सुना आपने, अभिषेक झा ने क्या कुछ कहा कि सवर्ण जाति से आने वाले कुछ नेता ही राजद का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि जो समझदार है, जो सवर्ण, ज्यादातर सवर्ण है, उन्हें याद है वो पल जब लालू राज में किस तरह से सवर्णों के साथ नाइंसाफी की गई थी, किस तरह से सदन में गला फाड़ फाड़ कर लालू यादव ने आरक्षण का विरोध किया था। वह लालू प्रसाद यादव जी ही थे जिन्होंने समाज को बांटने वाली राजनीति हमेशा की है और भूरा बाल साफ करो का नारा दिया है। तो एक बार सवर्ण के मुद्दों पर नेता प्रतिपक्ष घिरते हुए नजर आ रहे हैं, जदयू ने बड़ा हमला किया है। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।